हेलो डियर व्यूवर्स, कैसे हैं जी? सब ठीक हैं? बढ़िया हैं। तो आज का वीडियो क्या होने वाला है? इंडिया सुपर सुपर चीफ चीफ दुर्गा 2 लेजर वेपन सिस्टम। सिस्टम। ओके, तो चलें जी देखते हैं पहले वीडियो। और ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का। जीके दृष्टि यूट्यूब चैनल जिनका हम वीडियो देख रहे हैं जी। अब भारत ने अत्याधुनिक डिफेंस हथियारों को डेवलप करने में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है, और भारत जिस तरह से हथियारों को डेवलप कर रहा है उसे देख दुनिया हैरान है, क्योंकि भारत के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने खतरनाक और सस्ती मिसाइल बनाकर दुनिया हिला दी है। लेकिन भारत सिर्फ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत ने लेजर वेपन्स पर भी काम करना शुरू कर दिया है। और हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक भारत ने इंडिजीनियसली यानी कि स्वदेशी लेजर वेपन्स को भी डेवलप करके एक बार फिर से दुनिया को हैरत में डाल दिया है। दरअसल भारत ने दुर्गा 2 नाम के लेजर वेपन्स को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया, जो कि किसी भी बैलिस्टिक या फिर क्रूज मिसाइल को एक बार में मार गिरा सकता है। और भारत के इस लेजर वेपन्स की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इजराइल जैसे देश भी भारत की दुर्गा 2 लेजर वेपन्स की तारीफ कर रहे हैं, और इजराइल ने यह कहना भी शुरू कर दिया है कि इस तरीके के खतरनाक हथियार अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश नहीं बल्कि भारत ही तैयार कर सकता है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, भारत ने स्वदेशी लेजर वेपन्स बनाकर तैयार कर लिया है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में देखा जाए तो भारत दिन पर दिन डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में आत्मनिर्भर होता जा रहा है, और साथ ही भारत उन देशों में भी शामिल हो चुका है जिनके डिफेंस हथियार खरीदने के लिए दुनिया के कई देश डील फाइनल करने के लिए जुटे हुए हैं। लेकिन अभी तक भारत के पास ऐसा कोई भी हथियार नहीं था जो कि लेजर की तकनीक पर काम करते हैं, और जब से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक चारों तरफ लेजर डिफेंस की ही चर्चाएं चल रही हैं। क्योंकि देखा जाए तो लेजर डिफेंस सिस्टम एक ऐसा हथियार है जिसने ईरान से इजराइल में आने वाली सभी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों में से 99% मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, जबकि लेजर वेपन्स के अलावा किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा 99% बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को डिस्ट्रॉय कर पाना नामुमकिन है। यहां तक कि देखा जाए तो चीन के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वह भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाता। इसीलिए इसराइल के लेजर डिफेंस सिस्टम की दुनिया के लगभग सभी देशों में चर्चाएं चल रही है, और उसके बाद यह भी देखा जाता है कि किन किन देशों के पास लेजर वेपन्स इस समय मौजूद है जो कि किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इजराइल के बाद इसमें दूसरा नाम निकल कर आता है यूके का, जिसके पास लेजर डिफेंस सिस्टम वाले हथियार मौजूद है। और यूके के अलावा देखा जाए तो अमेरिका ने भी लेजर डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर लिया है। लेकिन ऐसे में बात सामने आती है कि क्या भारत के पास भी लेजर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो कि किसी भी बैलिस्टिक और सुपरसोनिक मिसाइल को हवा में मार गिरा सकता है। तो इसके लिए आपको बता दें कि पिछले लगभग 2 सालों से भारत की DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेजर वेपन्स बनाने पर काम कर रही थी, लेकिन अब देखा जाए तो DRDO को लगभग पूरी तरह से सफलता मिल चुकी है, और DRDO ने दुर्गा 2 नाम के लेजर डिफेंस सिस्टम को बनाकर तैयार कर लिया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में स्वदेशी तौर पर बनाई जा रही दुर्गा 2 नामक लेजर डिफेंस सिस्टम में वह तकनीक मौजूद है जो कि इजराइल, यूके और अमेरिका के लेजर डिफेंस सिस्टम में नहीं है। और इसकी सराहना भारत ही नहीं बल्कि इजराइल जैसे देश भी कर रहे हैं जो कि डिफेंस हथियारों के मामले में ताकतवर देश माने जाते हैं। और इजराइल ने खुद कह दिया है कि इस तरीके की तकनीक वाले लेजर वेपन्स भारत ही बना सकता है, जहां अमेरिका और यूके जैसे देश इस तरीके की टेक्नोलॉजी वाले लेजर वेपन्स बनाने से हाथ खड़ा कर दिए हैं। क्योंकि भारत की दुर्गा 2 लेजर डिफेंस सिस्टम को जो दूसरे देशों के लेजर वेपन्स से अलग बनाती है वह है इसकी लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी।
दरअसल भारत की दुर्गा 2 लेजर डिफेंस सिस्टम को ऐसी तकनीक पर बनाया गया है जिससे लेजर के द्वारा फायर करने में सबसे कम कास्ट लगती है। यानी कि एक्सपर्ट के मुताबिक एक टारगेट को हिट करने की जो इसकी कीमत है वह केवल $3 के आसपास है। वहीं दूसरी तरफ इसराइल का आयरन डोम सिस्टम एक वॉर में लगभग $1,00,000 का खर्च कराता है और अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वह एक वॉर में $15 से $20 खर्च कराता है और यूके के एयर डिफेंस सिस्टम से एक वॉर करने में $10 का खर्च बैठता है। और इसीलिए भारत की DRDO द्वारा डेवलप की जा रही दुर्गा 2 लेजर डिफेंस सिस्टम की सराहना दुनिया के लगभग सभी देशों में हो रही है, क्योंकि DRDO के द्वारा बनाई जा रही दुर्गा 2 से मात्र $3 के खर्च से ही किसी भी बैलिस्टिक या फिर क्रूज मिसाइल को मार गिराया जा सकता है। कहने का मतलब यह है, भारत के द्वारा डेवलप किए गए इस लेजर वेपन से कई टारगेट को कम से कम कास्ट में हिट कर सकते हैं। यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो भारत की DRDO दुनिया का सबसे सस्ता लेजर वेपन्स बनाकर तैयार कर रही है, जिसके कारण भारत के इस डिफेंस सिस्टम की चर्चा दुनिया के सभी देशों में हो रही है, क्योंकि इसे हम जिस कीमत पर तैयार कर रहे हैं यह वाकई तारीफ करने लायक है। और आपको बता दें कि केवल लेजर डिफेंस सिस्टम ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी भारत जिन मिसाइल और डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोडक्शन कर रहा है उनकी कीमत अमेरिका, यूके और इसराइल की अपेक्षा कई गुना कम है, जिसके कारण यूरोप के साथ साथ नाटो जैसे 32 देशों का संगठन भी अमेरिका और इसराइल से हथियार खरीदने की बजाय भारत से डिफेंस हथियार खरीदना चाहता है, क्योंकि अभी तक इसराइल और अमेरिका से डिफेंस हथियारों को खरीदते खरीदते इन देशों के अर्थव्यवस्था की खटिया खड़ी होना शुरू हो गई है। और इसके अलावा इस समय जिस तरह से कई देशों के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उससे डिफेंस हथियारों की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, और भारत ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए लेजर वेपन्स को डेवलप करने की तकनीक पर तेजी के साथ काम करना शुरू कर दिया है। और भारत देश तरक्की कर रहा है या नहीं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत में बनाए गए डिफेंस हथियारों का डंका उन देशों में भी बज रहा है जो देश डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में भारत से कई गुना आगे है। यहां तक कि इसराइल जैसे देश यह कह रहे हैं कि हम बिना किसी रुकावट के भारत की इन तकनीकों को खरीदेंगे और भारत जिस भी रेट पर यह तकनीक बेचेगा हम उसे खरीदने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल भारत के द्वारा डेवलप की जा रही दुर्गा 2 लेजर वेपन्स पर थोड़ी और नजर डालें तो इसका पूरा नाम है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रेगन एरे। आपको बता दें कि इस समय दुनिया में कुल 2 की संख्या में एंटी एयरक्राफ्ट लेजर वेपन्स हैं जिनकी मारक क्षमता 100% नहीं है, लेकिन भारत जो लेजर वेपन्स बना रहा है उसकी मारक क्षमता 100% मानी जा रही है। और इसके बारे में विदेशी मीडिया में भी खबर चली थी कि भारत दुर्गा 2 नाम की जो लेजर वेपन्स बना रहा है वह किसी भी बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल या फिर फाइटर जेट को एक बार में ही मार गिरा सकता है। इस लेजर वेपन्स को जमीन, समुद्र और पहाड़ी इलाकों में अभी हवाई हमले के लिए तैनात किया जा सकता है। बाकी आप लोग भारत की दुर्गा 2 लेजर वेपन्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और इस वीडियो को एक लाइक बिल्कुल जी लाइक करें। काफी मेहनत से वीडियो बनता है। बाकी ये था जी इंडिया का सुपर चीफ दुर्गा 2 लेजर वेपन सिस्टम जो हमने देखा, और काफी स्ट्रॉन्ग और काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और जबरदस्त तरीके से, मतलब नहीं ये लेजर में मतलब कि शोएं है ना, लेजर है ये, जहाँ पे जिस चीज को हिट करेगी तबाह कर देगी। इसकी रेंज कितनी थी यार, रेंज नहीं बताई उन्होंने। इसकी रेंज यही होती है कि तकरीबन आपके फिजा में अगर आपने इंस्टॉल किया होगा, इसकी रेंज कि आपका एरिया जैसे कि मोस्टली बॉर्डर के ऊपर आप इसको तैनात करोगे लगाओगे, और तो वहाँ पर जो भी कोई वेपन, कोई मिसाइल या क्रूज या इस तरह का कोई भी चीज़ आती है तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो इसकी मदद से। जमीन पे आने से पहले फिजा में इसको आप डिस्ट्रॉय कर दोगे। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा ना कि ईरान और इसराइल के बीच में जो कशीदगी चल रही थी तो ईरान ने जो है वो फायर किए थे मिसाइल किए थे, तो वो रस्ते में कुछ सऊदी अरेबिया ने उड़ा दिए
अब देखोगे वो तोड़ पहुंचने से पहले, क्योंकि ईरान और इसराइल के बीच में देश आते हैं दूसरे, तो जब आप उनके हदूद में वो इंटर होंगे तो डेफिनेटली वो तो फिर उधर अटैक अपना करेंगे अटैक उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, और जो वहां से कुछ बचे वो इसराइल के जो डोम सिस्टम है उसने डिटेक्ट की और उसने उड़ा दिए, और जो कुछ गिरे वहां पर, मतलब ये 100% नहीं आप कह सकते, लेकिन ये था कि 90% तक जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, तकरीबन 10% या 5% आप कह लो कि वही इसराइल में जो आके गिरे थे, जिसकी वीडियो भी हमें मिली थी, लोग भाग रहे थे ये वो। तो बाकी ये है कि ये जो लेजर सिस्टम है ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब तरीके से आप डिफेंस अपना जो है वो कर सकते हैं, मतलब नहीं ये इन फिर केस ऑफ वार। जैसे कि इसको चलाने वाला भी कोई बंदा ही होगा ना, नहीं ऑपरेट करने ऑपरेट वाला? जाहिर है मशीन कोई भी है मशीन तो है। वो ऑपरेट होती है, लेकिन इसमें ऑटो भी सिस्टम होता हाँ। होगा कि इसको ऑन कर देते हैं तो ये डिटेक्ट कर रही होती है ना हर तरफ से फिजा में, जिसकी कि जहां से रेंज में इसको, जो जो चीज हाँ आएगी, इसकी रेंज में। हाँ अब इसकी रेंज रेंज का उन्होंने नहीं बताया रेंज इधर, का नहीं बताया इसकी रेंज कितनी होगी, मतलब हाँ। कि अब जाहिर है कि अब यहाँ पर अगर एक सिटी में इंस्टॉल किया हुआ है तो ये तो नहीं है कि किसी दूसरी सिटी में मिसाइल जा रहा है तो हाँ। ये उधर जाके उसको मतलब नहीं, कर दे, जाहिर है ये उसी सिटी की प्रोटेक्शन के लिए होगी। हाँ। और एक सिटी को अगर मतलब एक, अगर ये जो है इंडिया का क्या नाम था इसका, चीफ हाँ, दुर्गा, दुर्गा टू, दुर्गा दुर्गा टू, टू मतलब अगर ये एक एक के आप अगर 4-5 भी इंस्टॉल करके एक सिटी की प्रोटेक्शन की जा सकती है, हाँ आपके जो मतलब सेंसिटिव जहां पर आपको ज्यादा मसला होता है या प्रॉब्लम जहां पर आपको होती है, तो बहुत बढ़िया है, मतलब मेरे बिल्कुल। ख्याल ये में ऐसे ही है तो कि जैसे ही कोई मिसाइल या क्रूज वगैरह कोई आएगा, ड्रोन वगैरह, और तो ये ये खुद ही उसको खुद ब खुद हाँ एक्टिव हो जाएगा, हाँ लेकिन एक्टिव हो जाएगा इसमें ना। कुछ चीजें और भी हैं जिनके बारे में अब ये तो नहीं पता कि एक चीज है कि आपकी मतलब अभी तो वार किसी चीज का हल नहीं है, वैसे पीस रहना चाहिए बिल्कुल सभी देशों को एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ, लेकिन इन केस ऑफ वार अगर आपकी कशीदगी चल रही है किसी देश के साथ और आपका मतलब, तो ये अगर ऑन है, ये ऑन है और आपके एयरक्राफ्ट जा रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ दुश्मन के एयरक्राफ्ट को गिराएगी या सिर्फ आपके भी अटैक कर सकती है अगर ऑटो बिल्कुल सिस्टम पे लगा हुआ है ऑटोमेटिकली, तो क्या अगर अपने ही ये मतलब तो उसकी लेजर इसके आगे लगा तो मैं कहा जो भी आ गया उसने तबाह कर देना, मेरे ख्याल में पर इसको इन्होंने मैनुअली इन्होंने मोस्टली एक के इन केसेस के मैनुअली इसको ऑपरेट कर रहे होंगे हाँ यही कि बात है डिटेक्ट करके, जैसे कि आप बिल्कुल बैठे हैं आपके सामने सारा सिस्टम है, हाँ तो जैसे ही अगर आप देख रहे हैं कि इसने डिटेक्ट किया, आपने एंटर बस वो करना है, क्लिक करना है तो डिस्ट्रॉय। और लेकिन मेरे लिटल मोर कॉस्ट, हाँ इसकी छोटी अच्छा हाँ, ये तीन देखो डॉलर कि यार, 3 डॉलर में तीन एक डॉलर फायर जो है $3 में पड़ता है, कुछ भी नहीं है, अच्छा इसराइल का जो डोम सिस्टम है 1 लाख, 1 लाख डॉलर में एक वार जो है, मतलब वो डॉलर। देखो कि अब देखो यूके में भी लेजर सिस्टम है, पर अब यूके भी डेफिनेटली ये जो दुर्गा है सभी देश जो है वो चाहेंगे ना वो कम कॉस्ट के ऊपर, मतलब वो करें उनका हो सारा, ज्यादा एक्सपेंस तो ना मेरे आए, का ध्यान ज्यादा इंडिया कॉस्ट की ना तरफ आए, हो जाना, सबका तो डेफिनेटली इंडिया की मेरे तरफ जाएंगे जिससे इंडिया अब की इकोनॉमी इसराइल आ भी। नहीं रहा, इसराइल अपना कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं रहा कि हम हमें एनी कॉस्ट पे जितनी भी कॉस्ट लगे हमने ये लेना है, ठीक है। बिल्कुल जैसे यूके है, यूके में पर कॉस्ट फी मिसाइल का पड़ता है $10, 10-15 डॉलर, ठीक है। हाँ ऐसे इन्होंने देख लो कि उससे भी 3 गुना नीचे, मतलब तीन तीन डॉलर डॉलर तीन कुछ भी डॉलर नहीं है कुछ भी यार नहीं है, डिफेंस के लिए $3 क्या है हाँ आपके। कुछ भी नहीं है। तो बाकी ये था जी आज का वीडियो जिसमें हमने देखा है कि इंडिया बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी का जो दुर्गा वेपन, दुर्गा टू लेजर वेपन सिस्टम है वो बना रहा है, और जिसको ये समझा जा रहा है कि 100% मतलब 100% जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो करेगा, टारगेट करेगा और लेजर लेजर के जरिए जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाएगा वेपन्स को, जो कि मतलब दूसरे मिसाइल्स या दूसरी चीज़ें जो है एयरक्राफ्ट हो गए वो आपके हदूद में आते हैं। बाकी सभी देशों का होगा कि यार हाँ इंडिया की तरफ जो है इस टेक्नोलॉजी, और इंडिया कर सकता है यार, कर इंडिया सकते में हैं एबिलिटी है, बिल्कुल वो एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, हर चीज़ इंडिया में मेड इन इंडिया बन रही है बन उनकी, रही तो है, उनके पास टैलेंट भी है, उनके पास पैसा भी है, उनके पास सोर्सेज टेक्नोलॉजी भी भी है, हैं, बिल्कुल टेक्नोलॉजी भी है, एजुकेशन भी है और बिल्कुल अच्छे साइंटिस्ट भी हैं, बिल्कुल तो हर डेफिनेटली चीज़ जो है वो इंडिया के पास मौजूद है, तो फिर उसके लिए कोई मुश्किल तो नहीं होगा। डेफिनेटली इसरो की बात करें तो जहाँ तक इसरो की सक्सेस है और इसरो ने कामयाबियाँ जो हैं वो जो दूसरे देश नहीं कर पाए वो उन्होंने करके दिखाई हैं, तो डेफिनेटली ये जो है ये भी इसमें भी देखेंगे आप, वो जल्दी आपको सफल होते हुए जो है वो नजर आएंगे। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, रखिए बहुत सारा ख्याल।